मुखिया अखिलेश यादव के सोमवार को प्रदेश के समस्त जनपदों के मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का फरमान जारी होते ही चंदौली प्रशासन के हाथ पर फूलने लगे। रविवार की देर रात से ही प्रशासन सपा नेताओं के घरों के बाहर डेरा डाल दिया। बावजूद इसके सपा कार्यकर्ताओं ने होम अरेस्ट तोड़कर धरना स्थल पर पहुंच गए। हालांकि आईजी जोन वाराणसी विजय सिंह मेड़ा भी जनपद में मॉनिटरिंग करते रहे। इसी के तहत मानस नगर स्थित सपा नेता बाबूलाल यादव व खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के पूर्व सदस्य संतोष यादव के घर के बाहर रविवार की देर रात से ही होम रेस्ट करने के चक्कर में पुलिस ने डेरा डाल रखा था। बावजूद इसके संतोष यादव होम अरेस्ट तोड़कर बाहर निकल गए, बाबूलाल यादव को पुलिस ने होम अरेस्ट करने में कामयाब रही। हालांकि इनके बाहर घर के बाहर से कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल नियमताबाद भेज दिया। वहीं युवा जन सभा के पूर्व अध्यक्ष चक्रु यादव को धरनास्थल पर जाते समय नेशनल हाईवे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही सभा के वरिष्ठ नेता राजकुमार पप्पू के साथ आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। Come on!